मैडम कितना समय है उसी अनुसार बोलेंगे। एक मिनट, एक घंटा, एक तीन मिनट। थैंक यू सो मच चेयरपर्सन। सबसे पहले मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। 75 साल बीत गए पर उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है, उनके शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अ प्लेज नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशली। मैम हमारे जो इतिहास है महिलाओं का, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ पे जो 15 महिला सदस्य भी थी उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी विल बी द बेसिस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक ऐसा विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जहाँ पे महिलाओं को इक्वालिटी और समानता का उनको समानता की जिंदगी दी। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि 75 साल में जो महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी स्टेट असेंबलीज हों या केंद्र में हों वो हमें मिली नहीं। इस वजह से आज हम इस रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये लड़ाई हमारी जो शुरू हुई है, इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये एक ऐतिहासिक पल मानती हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। पर हमारे साथ दो दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 9.5 साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वादा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पर वो आरक्षण को आते आते 9.5 साल लगे। जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा दिस इज दी ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन। मैं कहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज नॉट दी ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। 2010 का बिल ले आइए, 2010 का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देख लीजिए, वो फ्यूचर डेट के नहीं थे, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेबल थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूँ उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं, दरवाजा तो खोल रहे हैं पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में। मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपको रोक रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन से। तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। प्लीज माननीय सदस्य, मैं बस आपका समय समाप्त हो गया, जी जी मैम एक मिनट में खत्म कर दूंगी, आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगूंगी ना उम्मीद है। बस जाते जाते एक चीज कहूंगी कि जो 2010 का बिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में आप भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, जितना लोकसभा में उन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में नहीं है, माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया। बस इसी बात को कहते हुए मैं इसको वेलकम करती हूँ, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन हम रचने जा रहे हैं उसको मैं आप सभी का जिनने सपोर्ट किया है आभार व्यक्त करूंगी। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी।